move to level up fast in Real Cricket 22. Real Cricket 22 गेम के अंदर लेवल अप कैसे करें, जल्दी से जल्दी एक्सपी कैसे ले, कहाँ मिलेंगे, कैसे लेवल अप होंगे जल्दी से जल्दी, सारे टूर्नामेंट लेवल अप कैसे जो है वो क्रॉस करें, इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो मन तक बने रहेगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को मैं एक नोटिस दे देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन उस वीडियो के अंदर मुझे जो है वो कुछ व्यूवर्स ने ये कमेंट किया कि हमारे लेवल अप नहीं हो रहे, तो मैं उनको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को सबसे पहले आपको कम्प्लीट वॉच करना है। कम्प्लीट वॉच करने के बाद आपको जो है वो ये हम आपके जो लेवल अप होंगे, आप देखिए, आप अगर देखिए, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक पिछले वीडियो में बताया था, वो ट्रिक आपको अपने जो है वो कम्प्लीट वीडियो नहीं देखा तो आपके लेवल अप कहाँ से होंगे। तो यही एक सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी वीडियो को कम्प्लीट वॉच किया करिए बिना स्किप किए, क्योंकि देखिए मैं अपने जो वो कोई भी अपनी वीडियो बनाता हूँ तो प्रूफ के साथ बनाता हूँ। तो चलिए देखिए, आज भी देख सकते हैं कि ऊपर में मेरे जो है वो लेवल 48 पे पहुँच चुका हूँ और काफ़ी जल्दी मेरे लेवल अप जो है वो अप हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा, लेकिन बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए। तो देखिए, आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको जो है वो टूर्नामेंट के अंदर जाना है। अब काफ़ी व्यूवर्स मुझे ये कमेंट करते हैं कि हमारे टूर्नामेंट अनलॉक नहीं हो रहे। देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपका जब मास्टर कप अनलॉक नहीं होगा उससे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखिए जो एसोसिएट कप है ये आपको खेल लेना है, 10 ओवर का मैच सिलेक्ट आपको कर लेना है। बाकी जो पिछली वीडियो वाला मैंने आपको समझाया था वो वीडियो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। लेकिन उसके बाद आपको करना क्या है, जब आपका जो वो एसएस 2019 ये जो है वो एसएस कप वाला ये जब तक अनलॉक नहीं होता तब तक आपको जो वो मास्टर कप खेल लेना है, 10 ओवर का आपको मैच सिलेक्ट करना है, वहाँ से आपको एक्सपीज वगैरह लेकर आपको जो वो एसएस कप आपको जो वो अनलॉक कर लेना है। उसके बाद आपको एसएस कप अनलॉक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एसएस कप का जो मोड है उसको टूर्नामेंट के अंदर आपको खेल लेना है, हार्डकोर मोड आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको मैच बिल्कुल भी नहीं खेलना है, डायरेक्ट आपको जो मैच के अंदर जाना है, टॉस करना है, आपको कोई भी बॉल नहीं डालना है, सिंपली आपको ऑटो प्ले करते जाना है। ऑटो प्ले करते जाएंगे आपको एक्सपीज मिलेंगे, बाद में जो भी एक्सपीज मिलेंगे उसको आपको डबल अप करते जाना है। देखिए, जब आप लेवल 30 के ऊपर लेवल 30 के नीचे रहोगे, एक पर होंगे या फिर 26 या फिर 27 लेवल पर होंगे, जब तक आपके लेवल 30 जो है वो नहीं होते तब तक आपको जो वहाँ पर जो वो 75 एक्सपीज मिलेंगी। उसके बाद जैसे आपके लेवल 30 जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, लेवल 30 कंप्लीट होने के बाद आपको जो वो एक्सपी जो है वो 100 देखने को मिलेंगी ऑटो प्ले करने के बाद, उसको आपको डबल अप करके आपको जो वो एक्सपीज वगैरह आपको कंप्लीट मिलते जाएंगे। जो भी एक्सपीज मिलेंगे, देखिए 100 का डबल हो जाता है 200, तो 200 एक्सपीज आपको मिलेंगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर, आपको जो वो 200 एक्सपीज मिलेंगे ऑटो प्ले करने के बाद। कोई भी आपको बॉल नहीं डालना है, जीतने हारने ड्रॉ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ने वाला है आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जीतने हारने से एक्सपीज आपको सेम मिलेंगे, जीतो हारो ड्रॉ हो मैच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल सेम आपको एक्सपी 100 ही देखने को मिलेंगे, चाहे कंप्लीट मैच खेलो चाहे ऑटो प्ले करके खेलो। एक बार आपको मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि आपको एसएस कप जब तक अनलॉक नहीं होता तब तक आपको जो वो एसोसिएट कप या फिर कोई भी आपका जो टूर्नामेंट है वो अनलॉक होता है उसको आपको कंप्लीट खेलना पड़ेगा मैच को, तो जाकर आपको जो है वो 150 एक्सपी मिलेंगे डबल करने के बाद। लेकिन जब तक आपका एसएस कप अनलॉक हो जाएगा, जैसे अनलॉक हो जाएगा उसके बाद आपको कोई भी टूर्नामेंट खेलने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको एसएस कप के अंदर चले जाना है, ऑटो प्ले कर देना है मैच को, जो एक्सपी मिलेंगे उसको आपको डबल अप करते जाना है। डबल अप करने के बाद आपके जल्दी से जल्दी लेवल अप हो जाएंगे। अच्छा है कि अच्छी तरह से मैंने इस वीडियो के अंदर आपको समझाया, जिसने वीडियो को अच्छी तरह देखा होगा उसके तो लेवल अप हो जाएंगे। अब जिसने देखे वीडियो बीच में छोड़ के भाग गया होगा उसके तो लेवल अप बिल्कुल भी नहीं होने वाले। देखिए, मैंने वहाँ स्टार्टिंग में जैसे कि आपको बोला था कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था, एक बार फिर से मैंने आपको समझा दिया। तो आज की इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो लिंक नीचे इंस्टाग्राम का जो वो फेसबुक पेज का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मैसेज कर दीजिए। अब इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आएगा, इसके रिलेटेड अब लेवल अप करने के रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आने वाला है। जिसको अच्छी तरह समझ आ गया वो तो अपना करते रहिए, जिसको समझ में नहीं आया वो मुझे जाके मैसेज वगैरह कर सकते हैं, मैं वहाँ पर समझा दूँगा। अभी लेवल अप की जो वीडियो है वो जब वो नहीं आने वाली, तो आज की इस वीडियो को पर ख़त्म कर लेते हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बोल लगे डिसलाइक मार देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।